आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाट वायरस फंजाई एल्गी या फिर टिक्स अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो ट्रांसमिशन की बात कर रहा है कॉज की नहीं तो रॉकी माउंटेन जो फीवर है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज और कौन सा बैक्टीरिया इसे कॉज करता है रिकटेसिया बैक्टीरिया तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है मोस्टली टिक्स में लाइस में या लार्वल माइट्स में प्रेजेंट होता है और इन्हीं के थ्रू ये स्प्रेड होता है अब इस पर्टिकुलर ये जो रिक्टेसिया है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एंड इट इज अंट्रासेर बैक्टीरिया इंट्रा क्यों क्योंकि ये होस्ट के जो सेल्स होते हैं उसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है अब इस पर्टिकुलर डिजीज में होता क्या है एक तो नॉर्मल जैसे फीवर बोल रहा है तो नॉर्मल फीवर के सिम्टम्स होते हैं देर इज हाई फीवर देर इज हेड एक देर इज पेन मस्कुलर पेन उसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स के निराश होता है इसीलिए स्पॉटेड फीवर है ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रांसमिट कौन कर रहा है तो अभी मैंने बताया कौन ट्रांसमिट करता है रिकेटेसिया को टिक्स लाइज और लार्वे माइट्स वेयर एज इन केस ऑफ रॉकी माउंटेन्स फीवर जो टिक्स होते हैं वो इसको ट्रांसमिट करते हैं दैट इज एज अ वेक्टर तो ये जो रेकेटिसिया बैक्टीरिया है विच इज प्रेजेंट इन द टिक्स तो जब ये टिक्स बाइट करते हैं किसी पर्सन को तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है तो ऑप्शन फोर जो है दैट इज द राइट आंसर ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर